हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन्स का क्या रोल है कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं हम कहाँ से, पिचोरी ग्लैंड से, टेस्टिस से, ओवरी से, और ये सब कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं टारगेट साइट के ऊपर, थ्रू आवर ब्लड, हमारे ब्लड से होते हुए टारगेट साइट पर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्ट करते हैं कि हमें हमारी बाल बढ़ने चाहिए या फिर हमारे कंधे चौड़े होने चाहिए या फिर हमारा एडम्स एप्पल बाहर निकलना चाहिए। ये सब हो रहा है हार्मोन्स की वजह से। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस जेमेट्स। एडोलेसेंट मतलब जो जवान हैं, जो 18 साल की एज के आसपास हो गए हैं, वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं जब उनके टेस्टिस और उनकी ओवरी जो कि जेमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, स्पर्म्स बनाना शुरू कर देते हैं, अंडा बनाना शुरू कर देते हैं, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जेमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ये जो कैपेसिटी है कि बच्चे पैदा करने की, प्रोडक्शन करने की, रिप्रोडक्शन करने की, ये मेल्स में ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और फीमेल्स में कम टाइम तक रहती है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। औरतों में रिप्रोडक्टिव फेज जो है 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 साल की एज में जाके ये बंद हो जाता है। उसके बाद किसी किसी केस में होता है कि किसी को 50 साल की एज के बाद बच्चा होता है, अदरवाइज फीमेल 50 साल की एज के बाद बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओवा का जो साइज़ है वो प्यूबर्टी मतलब जैसे ही 10-12 की एज में पहुँचे बढ़ना शुरू हो जाता है, मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाई वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। जब ओवम मैच्योर हो जाता है तो हर 28 से 30 दिन में ओवरीज से अंडा रिलीज होता है। हर 28 से 30 दिन में एक अंडा, दो ओवरीज होती हैं फीमेल में, एक लेफ्ट एक राइट साइड पे, तो एक महीने एक वाली ओवरी से अंडा आता है, उससे अगले महीने दूसरे वाली ओवरी से अंडा आता है। तो ऐसा करके 28 से 30 दिन में हर एक बार एक अंडा बनता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। इस टाइम पे जब वो अंडा बन रहा होता है तो यूट्रस की जो इनर वॉल्स है वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं अंडे को रिसीव करने के लिए। इन केस इफ इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, अगर वहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाता है अंडा, अगर उस अंडे को मेल स्पर्म अगर मिल जाता है, इंट्रैक्शन होता है उनका, तो फिर वो फर्टिलाइज हो जाएगा और वहाँ पे बेबी बनना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर मेल स्पर्म वहाँ तक ना पहुँचे जब वो अंडा वहाँ पे यूट्रस में प्रेजेंट है और मेल स्पर्म वहाँ पे ना पहुँचे, तो क्या होगा। द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। तो क्या होगा कि अंडा साथ में वो जो यूट्रस की मोटी लाइन बन गई थी अंदर की साइड, वो और ब्लड वेसल्स उसके साथ में, वो सब क्या होंगी, वो टूट जाएंगी और जो ब्लड की फॉर्म में निकलता है, ब्लीडिंग इन वुमन, तो उससे क्या होगा, फिर ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग जो होती है बच्चे, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन, तो ये 28 से 30 दिन में एक बार अंडा बनता है और 28 से 30 दिन में अगर वो अंडा फर्टिलाइज ना हो तो फिर मेंस्ट्रुएशन होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जो है महीने में 28 से 30 दिन में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्चे। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है 12 साल, 10 साल, 13 साल, 14 साल, जब भी पहली बार होता है तो उसे कहते हैं मेनार्चे। और जब 45 से 50 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और अंडे नहीं बनते हैं ओवरी में, तब उसे कहते हैं मेनोपॉज। पॉज का मतलब आप समझते हो, जैसे टीवी रिमोट को पॉज कर देते हैं, रुक जाता है, तो
तो मेनोपॉज मतलब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पॉज हो जाना, बंद हो जाना। शुरू शुरू में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इररेगुलर हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि 28 दिन की बजाय वो 45 दिन में आ रही है, कभी जल्दी आ गई, कभी 20 दिन में आ गई, कभी 60 दिन में आई है, और बाद में धीरे धीरे ये रेगुलर हो जाती है, मतलब हर 28-30 दिन में ये आना शुरू हो जाती है और 45-50 साल की एज में जाके बंद हो जाती है। अगर उस टाइम पे उसको मेल स्पर्म मिल जाए जब अंडा बना हुआ है यूट्रस के अंदर तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर उस टाइम पे उसको मेल स्पर्म ना मिले तो वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, उसे मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब पता करेंगे कि बच्चे का जेंडर कैसे डिसाइड होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इनसाइड ए फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। फर्टिलाइज्ड एग या फिर हम उसको जायगोट भी कहते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसी के अंदर ये सब छुपा होता राज कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। ये वाले जो हैं ये स्पर्म्स जो आप देख रहे हो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। All human beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cell. Human beings में 23 pair होते हैं chromosomes के, मतलब total 46 chromosomes होते हैं और उनके जोड़े बनाएंगे तो 23 उनके pairs बन जाएंगे, तो 23 pair होते हैं chromosomes के human being के nucleus में। उनमें से 23 में से जो एक pair है वो sex chromosome का है, एक pair मतलब दो क्रोमोसोम, उनके हमने नाम दे रखे हैं एक्स और वाई। दो क्रोमोसोम हैं मतलब दोनों मिलके एक पेयर बनता है, उनके नाम दे रखे हैं एक्स और वाई। ए फीमेल हैज़ टू क्रोमोसोम। अब मैंने बताया कि ह्यूमन बींग के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अब फीमेल के अंदर दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स वाले होते हैं, और मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। आई रिपीट, फीमेल के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों सेम होते हैं एक्स वाले, और मेल के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स का होता है और एक वाई का होता है। द जेमेट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जेमेट जो बनता है मतलब जो फर्टिलाइज जो एग होता है उसके अंदर एक पेयर होता है जिसमें या तो एक्स एक्स रहेगा या फिर एक्स वाई रहेगा, उसी से फिर डिसाइड होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है यूट्रस के अंदर उसके अंदर तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम अगर उसको स्पर्म से मेल स्पर्म से अगर मिल जाए तो वो फर्टिलाइज्ड भी हो जाएगा और फिर वो डिसाइड भी कर लेगा कि ये कौन से वाला आया है, तो लड़की होगी कि लड़का होगा। अब देखो यहाँ पे, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम। तो अनफर्टिलाइज्ड जो फीमेल का जो एग है वो तो हमेशा ही एक्स रहने वाला है क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक्स एक्स है, तो इसका एक क्रोमोसोम एक्स का आ गया एग के अंदर। अब मेल की बारी आई, मेल के पास हैं एक्स और वाई दो तरीके के क्रोमोसोम। अगर इस पे एक्स ही आके मिल गया, एक्स क्रोमोसोम ने आके इसके साथ इंटरेक्शन किया तो बच्चे होगी लड़की गर्ल, और अगर वाई क्रोमोसोम आके मिला इस अंडे से, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी एक्स है, अगर वाई आके मिला तो होगा लड़का। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़का या लड़की होना डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम के ऊपर, मेल के ऊपर, क्योंकि मेल के अंदर ही दो तरीके के क्रोमोसोम हैं एक्स और वाई। अगर इसका एक्स जाके गया मिला तो लड़की होगी, लेकिन अगर इसका वाई जाके मिला तो लड़का होगा। बट इनके पास तो दोनों ही एक्स हैं, तो इनका तो जेंडर डिसीजन में कोई रोल ही नहीं है कि लड़की की वजह से लड़की या लड़का पैदा हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी औरत को, किसी लड़की को अगर लड़कियां हो रही हैं तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है कि वो लड़कियां पैदा कर रही है। वैसे तो किसी की भी गलती नहीं है, अगर फिर भी माना जाए तो लड़की की गलती नहीं है, लड़के की हो सकती है, कि लड़के को दोष दिया जा सकता है कि उसकी वजह से लड़की पैदा हो रही है, ना कि लड़की की वजह से, क्योंकि लड़की जेंडर डिसीजन में उसके क्रोमोसोम पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं।
ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।